नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रतिवेदन मांगे गए थे कि किस जिले में कितनी कैपेसिटी है परीक्षा कराने के लेकर के छात्रों की। वही यहां पर सेंटर लिस्ट जो है वो जारी की गई। जैसे पटना की अगर बात करें तो वहां पर 60,000, इसी प्रकार भोजपुर 28,000 और इसी प्रकार आगे पूरी लिस्ट देख पाएंगे। कहीं कहीं ये आंकड़े ज्यादा भी हैं, जैसे कि भागलपुर में 28,000 है, गया में देखेंगे तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, 32,000 है। तो जहां पर ज्यादा कैपेसिटी है संभवतः वहां पर सेंटर बनाए जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दूसरी चीज आप ये फोकस करेंगे कि ये जो ऊपर दिए गए हैं आंकड़े वो प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी को मिला करके हैं। आपको बताएं परीक्षा 4 दिनों में होनी है। जैसे कि अगर 24, 25, 26, 27 4 दिन की अगर हम बात करें, अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि पहले वाले दिन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा सभी के लिए, तो वो जो परीक्षा होगी इसका अगर टोटल आप देखेंगे, जितने भी यहाँ पर आपके आंकड़े दे रखे हैं, तो इसका टोटल आपका निकल करके आएगा 6.5 लाख। कैलकुलेटर से करके हमने देखा है तो 6.5 लाख अभ्यर्थी एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की क्षमता है बिहार में। और यहाँ पर अगर कॉमन एंट्रेंस की बात करें वो तो सभी का होगा, यानी कि जो अब तक आवेदन पढ़ चुके हैं वो लगभग मॉर्निंग वाले न्यूज में आपने देखा था कि रजिस्ट्रेशन मात्र 7,68,000 अभ्यर्थियों ने करा लिया है। तो ये मान करके चलिए कॉमन एंट्रेंस जो एग्जाम होगा वो एक शिफ्ट से ज्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर हमारे जो आंकड़े हैं उसके ज्यादा बच्चों की संख्या आवेदन आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे। तो कॉमन एंट्रेंस तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा। और अगर बात करते हैं बाकी एग्जाम्स की, तो ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं टोटल 7 लाख के करीब, ये आंकड़े सभी मिला करके हैं, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक। तो ऐसी कंडीशन में जैसे पीआरटी का पेपर होगा तो वहां पर आंकड़े कम होंगे, मान लीजिए वहां पर 5 लाख है, तो उस सिंगल में दिन में जो है आपका एक ही शिफ्ट में पेपर हो जाना चाहिए। इसी प्रकार 26-27 का अगर आगे 9 से 10 के लिए और आगे होता है पेपर, तो वो भी एक शिफ्ट में हो जाना चाहिए। पर कॉमन जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ये क्लियर यहाँ से हो गया है कि आपका 2 ही शिफ्ट में होगा, क्योंकि जो टोटल यहाँ पर कैपेसिटी थी 6.5 लाख की, उससे ज्यादा आवेदन अब तक आ भी चुके हैं। और कहीं ना कहीं लास्ट डेट पे और आप देखते हैं फाइनल सबमिशन भी होते हैं। वैसे तो वो जो आंकड़े दिए गए आज की न्यूज में वो तो स्टेशन के दिए गए हैं, 7,68,000, तो मान के चलिए कि 7 लाख तो अब तक हो ही चुके होंगे, 7 नहीं तो 6.5 तो क्रॉस ही कर गया होगा। लास्ट डेट में वैसे भी आवेदन बहुत आते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।